एंड वेलकम टू माय चैनल गेम जोन। और आज हम सीखेंगे हाउ टू मेक 3D डिज़ाइन ऑन PC कि लैपटॉप के अंदर हम 3D डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों पहले हमें जाना है क्रोम पे, जो हर लैपटॉप के अंदर इजीली अवेलेबल होता है। उसके बाद हमें ऊपर URL में सर्च करना है app.sketchup। इसके बाद दोस्तों आपको फोर्थ नंबर पे एक वेब आएगी app.sketchup.com। तो हमें इसको लोड करना है। अभी ये लोड हो रही है। तो दोस्तों ये जो वेब है ये लोड हो चुकी है। उसके बाद हमें क्लिक करना है स्टार्ट मॉडलिंग पे। स्टार्ट मॉडलिंग के बाद ये आपके सामने व्यू आते हैं। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करके पहले इसे डिलीट करना है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो पहले तो दोस्तों हमारा ऑप्शन आ जाता है सेलेक्ट का, कि हम किसी भी चीज़ को इसमें सेलेक्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक एग्जांपल के लिए कोई चीज़ ले लेता हूँ। तो दोस्तों पहला था हमारा ये सिलेक्ट का ऑप्शन, जिससे हम किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद इधर डिलीट का भी ऑप्शन आता है नीचे जाके। उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है इरेज़र का। इरेज़र तो सबको पता ही है क्या वर्क करती है, किसी भी चीज़ को क्लीन करने का। उसके बाद आता है हमारे पास दोस्तों पेंट का ऑप्शन, कि हम किसी भी चीज़ पर कलर कर सकते हैं। तो ये हमारे सामने कलर्स अवेलेबल हो जाते हैं। इसमें कई सारे के टाइल वर्क कलर भी आपको मिल जाते हैं, जिसको आप डिज़ाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हम कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर बाद में कर देंगे। अब जैसे इसकी छत का कलर ये हो चुका है, तो ऐसे करके हम किसी भी चीज़ का कलर चेंज कर सकते हैं दोस्तों, अलग अलग कलर्स लेके। तो उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो आता है लाइन का। लाइन तो आप सबको पता ही है क्या होती है, कहीं भी लाइन खींचना। तो मैं आपको अभी लाइन भी लेके दिखाऊंगा। तो दोस्तों इस पे आपको अलग अलग टाइप के एंगल भी पता लग जाते हैं। अब जैसे मैं यहाँ से लाइन लेता हूँ तो ये आपको अलग अलग एंगल बता देता है, कि जैसे अभी मैं वाई एंगल पे हूँ तो ये रेड पे आ जाती है बीच में, आपने ध्यान दिया हो तो। तो ऐसे करके हम अलग अलग लाइन कहीं से भी खींच सकते हैं। अभी जैसे इधर रेड लाइन आई थी, कि जैसे मैं रेड की उसमें ले रहा था, अभी भी देखिए रेड लाइन आ रही है और एक्स एक्सिस के लिए ब्लू लाइन आ रही है। तो ये है लाइन का। और ये आपको पता ही है कि हम किसी लाइन को किसी और उसमें लेके जाना चाहें तो जहाँ मर्जी लेके जाना चाहें हम लेके जा सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है दोस्तों आर्क का, कि हमें आर्क कैसी बनानी है। तो पहले हम कहीं भी क्लिक करेंगे, फिर ऐसे करके हम एक आर्क बना सकते हैं। हमें कितने की आर्क चाहिए, हमने इसे सेलेक्ट किया, फिर हम एक आर्क बना सकते हैं। मैं आपको इसको और सिंपली मैं थोड़ा सा प्लेन जगह पर बताता हूँ। तो आर्क ये अलग अलग टाइप की आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको टू पॉइंट आर्क बताता हूँ, कि आपने पहले एक लाइन खींची, उसके बाद आप उस लाइन को कितना भी बड़ा लेके जाएं। और जैसे अब ये ग्रीन एक्सिस आपको बता रहा है, ऐसे ही आप कितनी भी बड़ी लेके जाके इसे क्लिक कर सकते हैं। तो ये हमारी एक आर्क बन चुकी है दोस्तों। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है वो आता है रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल सबको पता ही है क्या होता है, तो हम अब रेक्टेंगल बनाएंगे। तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें ग्रीन एक्सिस पे अभी बना रहे हैं, तो ये हम जितना बनाएंगे। अब जैसे ये हमने बनाई, ये एक स्क्वायर हो गया क्योंकि इसकी फोर साइड इक्वल हो चुकी है। तो अभी हमने ये एक रेक्टेंगल बना चुके हैं। उसके बाद ये जो ऑप्शन आता है अगला हमारे पास, ये आता है पुल पुश का, कि हम किसी चीज़ को बाहर निकालना चाहते हैं तो हम बाहर भी निकाल सकते हैं।
अभी जैसे दोस्तों मैं आपको थोड़ा एंगल बदल के दिखाता हूँ इसका। अब हम इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम इसको जितनी भी हाइट देना चाहें हम उतनी हाइट दे सकते हैं, या फिर जितनी भी डेप्थ देना चाहें हम दे सकते हैं। अभी हमने इसको इस हाइट पे दे चुके हैं। इसके अंदर और भी अलग ऑप्शन आते हैं। तो दोस्तों जैसे हमने इस पे क्लिक किया, ये ऑप्शन आया, फिर हमने एक लाइन पे क्लिक किया जिससे एक छोटा रेक्टेंगल बना। वो हमारी मर्जी है कि हम उसे कितने साइज का चाहते हैं। उसके बाद एक और लाइन लग चुकी है। अब हम चाहें तो इसको भी पुश लेके बाहर निकाल सकते हैं। अब जैसे मेरे को ये लाइन निकालनी है तो मैं इसको सेलेक्ट करके बाहर की तरफ पुल कर लूँगा। तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है फ्रेंड्स, वो आता है आउटर शेल का। आउटर शेल मतलब उसकी बाहरी चीज़। अभी यह हमने वेब चलाई है तो इसके अंदर हर ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता, जैसे ये ऑप्शन अभी इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। अब इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो आता है मूव का। मूव तो सबको पता ही, आप जैसे मैंने इसके सामने इधर क्लिक किया तो अब मैं इसे मूव कर सकता हूँ, चाहे इधर करूँ, उधर करूँ, या फिर वापस वहीं कर लूँ। तो हम इसे ऐसे किसी चीज़ को मूव कर सकते हैं। उसके बाद आता है टेप मेज़र। टेप मेज़र सबको पता है टेप का वर्क क्या होता है। अब हम इसे यहाँ पे रख के क्लिक करेंगे और जहाँ तक हमें लेंथ चाहिए, लेंथ आपको ये कॉर्नर में बता ही रहा है कि कितनी लेंथ हो रही है। अब मैं यहाँ तक लूँगा तो ये लेंथ बता रहा है 9/16। तो ऐसे करके हम जितनी भी लेंथ उसको करेक्टली मेज़र कर सकते हैं इससे। अब मेरे को यहाँ तक की ऐसी लेंथ चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये मेरे को डॉटेड लाइन बता देगा। उसके बाद ऑप्शन आता है हमारे पास लुक अराउंड, मतलब हम हमारे आसपास का देखें कि कैसा है ये। वॉक, वॉक माने हर जगह पे क्लिक करके देखें कि सही है या नहीं। अब हमने इधर क्लिक किया और इस साइड करा इसको, तो ये इसी साइड रोटेट होना शुरू हो गया। अब हम इसे ऊपर करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो उस हिसाब से ये अपने आप को कर लेता है। तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है पैन का। इसके अंदर हम ऑर्बिट को देखना बहुत ज़रूरी है। ये अलग अलग एंगल बताता है हमें ऊपर नीचे। हम इसे पहले लेफ्ट क्लिक करेंगे माउस का, उसके बाद इसे माउस से घुमाएंगे जो सा एंगल हमें चाहिए। और एंगल इस ऐप के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। उसके बाद आता है पैन का ऑप्शन। पैन का ऑप्शन मतलब हम इसे आगे पीछे कर सकते हैं। अब हमें इधर जाना है तो हम इधर आगे, इधर आना है तो हम इधर आगे। उसके बाद ऑप्शन आता है जूम का। जूम आपको पता ही है, आप पहले लेफ्ट क्लिक करेंगे फिर इस साइड लेके जाएंगे अगर आपको जूम करना है तो, और अगर आपको जूम आउट करना है तो आप लेफ्ट क्लिक करके इसे वापस ले आएंगे। ऐसे करके आप जूम को एडजस्ट कर सकते हैं। और ये है दोस्तों जूम विंडो। अभी जैसे हम कहीं दूर जाके कहीं खो जाते हैं और हम इसको क्लिक कर देते हैं जूम विंडो को, तो हमारा जितना भी जितनी भी हमने चीज़ बनाई है वो हमारे सामने आ जाती है। उसके बाद इधर हम आ जाते हैं। इधर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। आउटर लाइन, आउटर लाइन का ये कह रहा है कि आपको अपडेट करना पड़ेगा। इसका 30 डेज़ का फ्री ट्रायल आता है, उसके बाद आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा। तो मैं तो आपको यही सलाह देता हूँ कि आप वेब में बनाए जितना बना सकते हैं। और फिर आ जाता है पेन टूल की, हम किसी भी चीज़ को मूव कर सकते हैं इस पेन टूल के ऑप्शन से। तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कंपोनेंट्स का। कंपोनेंट्स माने हम किसी भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं। अभी जैसे हम सर्च करते हैं एक कार, तो हम कार लिखेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो एंटर प्रेस करने के बाद हमारे पास कई सारी कार अवेलेबल हो जाती हैं। फिर हमें जौन सी कार चाहिए हम उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यह कहता है कि अगर आप इसको डाउनलोड करते हैं तो आपका स्केचअप थोड़ा सा स्लो हो सकता है, पर दोस्तों ऐसा कुछ नहीं। अगर आपकी नेट की रेंज करेक्ट आ रही है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप ये डोंट शो दिस अगेन को करके कंटिन्यू कर दें। उसके बाद ये डाउनलोड होना शुरू हो जाता है।
उसके बाद ये कार हमारे सामने आ जाती है और हम इसे जिधर रखना है हम रख देंगे। अब मैं आपको थोड़ा अलग ऑर्बिट से दिखाता हूँ इसको, और इसके शॉर्टकट कीज़ भी होते हैं। अभी जैसे ये हवा में लगा दी हमने गलती से कार, तो आप हर चीज़ को देख के इसे करें, पर ना आपको बनाने में प्रॉब्लम भी हो सकती है किसी भी चीज़ को। तो अब हम वापस हमारे वो घर की तरफ जाएंगे। तो उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है मटेरियल, मटेरियल माने टाइल कलर या किसी भी चीज़ का कलर, कि हमें टाइल वगैरह कैसी चाहिए। अब जैसे हमें एक टाइल वर्क चाहिए हमारे घर पे ऐसा सा, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे और जो हमारे उधर है हम इसे लगा देंगे। उसके लिए आपको पेंट का ऑप्शन ज़रूर सिलेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि पेंट ही करेंगे हम टाइल को। तो इसके बाद ऑप्शन आता है स्टाइल्स का, तो स्टाइल दोस्तों कि आपको कैसा स्टाइल चाहिए, तो उस टाइप से शेडो वगैरह आपको डिस्प्ले करेगा जैसे आप करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों देखिए अब जैसे ये ऐसे हो चुका है, तो हम इसे वापस नॉर्मल कर लेंगे जैसा हमारे ये था। तो जैसे हमने ये सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद ऑप्शन आता है हमारे पास लेयर्स का, कि हमें कैसी कैसी लेयर चाहिए। मैं कहता हूँ कि आप इतने में ना फंसे, इतने में ना कंफ्यूज हो, आप इसे चाहें तो यूज़ भी ना करें। तो जैसे हमने अलग अलग लेयर बाय कलर किया, तो उस हिसाब से ये अपने आप की लेयर एडजस्ट कर लेता है। उसके बाद आता है व्यूज़ का ऑप्शन, व्यूज़ तो सबको पता ही है कि हमें ऊपर से देखना है घर, सामने से देखना है, जिस तरफ से हम देखना है हमें हमारा घर, हम उस तरफ से देख सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है डिस्प्ले का, कि हम किसी ऑब्जेक्ट को हिडन करना चाहते हैं, कोई कट कोई एक्सिस, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। उसके बाद ऑप्शन आता है हमारे पास मॉडल इन्फो का, मॉडल इन्फो माने हम इसकी एक करेक्ट लेंथ कर सकते हैं जितनी हम करना चाहें हमारी उसकी। फिर आता है सॉलिड इंस्पेक्टर का ऑप्शन, इसके लिए आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, और मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप वेब में ही अपना जो डिज़ाइन है वो बनाएं। उसके बाद सेव करने का ऑप्शन आता है, तो ये सेविंग शुरू हो जाती है। वैसे अगर आप इसे सेव इसमें करना चाहते हैं तो ठीक है, और अगर आपको इसको प्रिंट वगैरह करना है 3D प्रिंटर से, तो आपके पास एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता है। उसके बाद आपको इस जो आपका प्रोजेक्ट है इसे HTML में डाउनलोड कर लेना है। अब के बाद जैसे इधर डाउनलोड होना शुरू हो जाता है, उसके बाद इसको प्रिंट करने के लिए एक ऐप आता है फ्लैश प्रिंट, आप उसमें जाके इसे प्रिंट कर सकते हैं। और ये जो ऐप का और ये जो वेबसाइट का लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू फ्रेंड, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।